बहन किसी की भी हो, उसे तुम सम्मान देना। अगर कोई उसे छेड़े तो उसे बीच चौराहे पे टांग देना। एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, कहानी लव स्टोरी है। एक लड़की एक लड़के को बहुत ज़्यादा चाहती थी। वो उसे अपना ही सब कुछ मानती थी। उस लड़के के अलावा वो किसी को नहीं जानती थी, बल्कि उस लड़के की बातों में आके वो अपने घर वालों की इज्जत का भी परवाह नहीं करती थी। वो लड़का उसका इस्तेमाल करना चाहता था, कैसे भी उसकी इज्जत लेना चाहता था। कुछ दिन यूं ही चली कहानी। लड़की ने लड़के की बातों में आके अपना सब कुछ उसे सौंप दिया, अपनी इज्जत भी उसके हवाले कर दी। वो लड़का का जब उससे मन भर गया, छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगा, छोटी छोटी बातों पे उससे झगड़ने लगा, उससे दूर जाने का हजारों बहाना बनाने लगा। उसके दिल में जगह नहीं है अब ये भी बताने लगा। वो लड़का किसी और के साथ रिलेशन में चले जाता है, उसे छोड़ देता है। वो लड़की का इस्तेमाल करके उसे छोड़ देता है। मैं लड़कियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी इज्जत इतनी सस्ती है? ऐसे भी किसी अनजान को तुम अपनी इज्जत सौंप देते हो? अकल लगाओ मेरी बहन, अकल लगाओ, अकल का यूज करो। वो तुम्हें प्यार के जाल में फंसाएगा, तुम उसकी बातों में मत आना। अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत मिले तो मुझे जिंदा दफनाना, माँ बाप के अलावा किसी के बातों में मत आना। वो तुम्हारा कितना भी खास हो, तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं बनाई गई कि तुम शादी से पहले ही किसी के ऊपर लुटाओ, किसी को अपने जिस्म के करीब भी आने दो। क्या अपने माँ बाप के संस्कार को आप भूल गए? ऐसा कभी भी नहीं करना। वो तुम्हारा यूज करके छोड़ देगा, उसकी बातों में मत आना। मैं जानता हूं हर लड़का ऐसा नहीं होता, मैं जानता हूं हर लड़का ऐसा नहीं होता, हर लड़की भी ऐसी नहीं होती। लेकिन अभी मोहब्बत के नाम को ना कुछ लोग बहुत ज्यादा बदनाम कर रहे हैं। कभी लड़की के साथ में गलत हो रहा तो कभी लड़के के साथ में गलत हो रहा। हम किसी को सही किसी को गलत नहीं बोल सकते, ये हमारा हक नहीं है हम बोले कि लड़की गलत है या लड़का गलत है। लेकिन हमारे हाथ में जो है हम उसे सही कर सकते हैं, हम अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कर सकते हैं। अरे आपकी जवानी बहुत कीमती है, आपके जिस्म को किसी को छूना तो दूर की बात है, किसी को नजर उठा के भी देखने का हक नहीं है। आप अपनी जवानी अपने जिस्म को इतना इतना ज्यादा और इतना कॉस्टली बनाओ कि कोई खरीदना तो दूर की बात है, कोई तुम्हारी तरफ देखने से भी पहले 100 बार सोचे। मैं कैसे इसकी तरफ देख सकता हूं? मेरी बहन अकल लगाओ, आप इतनी सस्ती नहीं हो कि आपके जिस्म को कोई यूं ही छू दे, आपके जिस्म को कोई यूं ही टच कर दे। आपकी सबसे बड़ी जेवर, आपका सबसे बड़ा दौलत आपकी इज्जत होती है। दुनिया की कितनी भी बड़ी दौलत लाके दे दो, आपकी इज्जत उससे खरीदी नहीं जा सकती। वो अलग बात है 200-400 में बाजार में मिलते होंगे लड़कियां, मैं उनकी बात नहीं करता। लेकिन आज भी हमारे समाज के अंदर ऐसी लड़की है जो मरना पसंद करती है पर अपनी इज्जत कभी खराब नहीं करती है।